तू चांद सा कुछ हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी हूँ, वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे से आपको एक फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे से देखिए मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाली फ़ोटो ले लेनी है। उस यहाँ पर देखिए आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर से आप क्रॉप कर सकते हो अपने फ़ोटो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे क्रॉप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको बैकग्राउंड पूछा गया है, आपको बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे से आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसे डिसेबल कर देना है, बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड था वो इरेज हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे डाउनलोड कर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरी जो फ़ोटो थी वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे से आपको प्लस के साइन में चले जाना है और यहाँ पे से आपको 1:1 रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद मीडिया में चले जाना और यहाँ पे से आपको एक बैकग्राउंड ले लेनी है ब्लैक कलर की। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है। उसके बाद लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, आपको यहाँ पे से ये देखिए ये वाली फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, वॉल वाली फिर इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरीके से, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है। फिर लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना और अभी जो आपने फ़ोटो बनाई थी उसे ले लेनी है और यहाँ पे रख देना है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद इसे भी एक्सटेंड कर लेनी है जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है। फिर लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ से आपको देखिए लिरिक्स वाली PNG ले लेनी है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रोमा की को ऑप्शन मिल जाएगा, इसे एनेबल कर देना है। फिर से लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको बॉर्डर वाली इफेक्ट्स ले लेनी है, इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग में चले जाना है, ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देनी है। ठीक है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है जहाँ तक आपके वीडियो है। फिर लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, ये लाइटिंग वाली, उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरीके से, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देनी है और इसे थोड़ा ऊपर ला देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर इसे देखिए ये वाली इफेक्ट ले लेनी है, ये वाली, उसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बाजू में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लेंडिंग में जाना है, स्क्रीन कर देना है। ठीक है, उसे थोड़ा नीचे कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, उसे प्ले करके देख लेते हैं हम एक बार। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको अपने वीडियो का देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग आप बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से तो बहुत आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।